इस वीडियो में हम लास्ट डे वेयर यू कैन स्टिल क्रॉस इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इस प्रॉब्लम में आपको एक वन बेस्ड बाइनरी मैट्रिक्स दिया हुआ है। आपको बाइनरी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स दिए हुए हैं। स्टार्टिंग में आपके सारे सेल जीरो हैं। जीरो का मतलब है कि वो एक लैंड सेल है। साथ में आपको दिया है कि डेली एक सेल आपका वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे फर्स्ट डे पर ये वाला सेल वाटर में कन्वर्ट हो गया, सेकेंड डे पर ये वाला सेल, थर्ड डे पर ये वाला सेल। इस तरह से डेली आपका एक सेल वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो कौन सा सेल होगा, वो हमें इस सेल वेक्टर के थ्रू दिया हुआ है, जिसमें फर्स्ट पोजीशन पर फर्स्ट डे में जो सेल कन्वर्ट होगा वाटर में वो दिया हुआ है, सेकंड पोजीशन पर सेकंड डे जो कन्वर्ट होगा वो दिया हुआ है, एंड सो ऑन। हमारा एम क्या है, हमें टॉप रो के किसी भी सेल से बॉटम रो के किसी भी सेल पर जाना है। हम जा कैसे सकते हैं, केवल लैंड सेल को ट्रैवर्स करके। और ट्रैवर्स कैसे कर सकते हैं, चार डायरेक्शन में, लेफ्ट राइट बॉटम अप, हम चार डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर सकते हैं। टॉप रो के किसी भी सेल से शुरू कर सकते हैं। हमारा एम क्या है, बॉटम रो के किसी भी सेल पर जाना। अगर हम ट्रैवर्स कर पा रहे हैं तो हम कहेंगे कि हमारा टॉप रो से बॉटम रो तक एक पाथ है। जब हमारे सेल्स वाटर में कवर होने शुरू होंगे, जैसे इस स्टेज पर हमारा टॉप रो का कोई भी लैंड सेल नहीं है, तो हम टॉप रो से बॉटम रो तक नहीं जा सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अगर इस स्टेज में पहुंच गए तो हमारा ग्रिड में एक पाथ नहीं है। पाथ किसे कह रहे हैं, हम टॉप रो से बॉटम रो तक जाने का एक पाथ नहीं है। तो हमें वो टाइम रिटर्न करना है, मैक्सिमम टाइम जिसमें हमारा टॉप रो से बॉटम रो तक जाने का पाथ हो। जैसे अगर हमारी गिवन कॉन्फ़िगरेशन ये थी सेल्स की कि 1 1 2 1 1 2, इस तरह से डेली एक सेल आपका वाटर में कन्वर्ट होगा। स्टार्टिंग में आपका हमेशा पाथ रहेगा सारे के सारे लैंड सेल ले दो, फिर जब ये वाला सेल वाटर में कन्वर्ट हुआ तो भी हमारा ये पाथ है, हम यहाँ से यहाँ पर जा सकते हैं। फिर जब हमारा ये वाला सेल कन्वर्ट हुआ तो भी हमारा ये वाला पाथ अवेलेबल है। पर जब हमारा ये वाला सेल वाटर में कन्वर्ट हो गया तो अब हमारे पास टॉप रो से बॉटम रो का पाथ नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हम मैक्सिमम 2 डेज, ये हमारा 0 डे था, ये फर्स्ट डे था, ये सेकंड डे, मैक्सिमम 2 डेज तक हमारे पास टॉप रो से बॉटम रो तक का पाथ है, थर्ड डे से हमारे पास पाथ नहीं है। और क्योंकि ये हमारी कॉन्फिगरेशन क्या है, फिक्स है कि ये वाटर सेल बन गए तो वाटर ही रहेंगे, तो आगे भी हमारे पास फोर्थ एंड सो ऑन डेज में भी कभी हमारे पास टॉप रो से बॉटम रो तक जाने का पाथ नहीं होगा। यानी कि अगर हमारे पास किसी दिन पर टॉप रो से बॉटम रो पर जाने का पाथ नहीं है तो आगे भी किसी दिन पर वो पाथ नहीं होगा। तो हमें लेटेस्ट पॉसिबल डे, ऐसा दिन जिस पर हमारे पास पाथ है, वो डे रिटर्न करना है। हमारे पास 1 पर भी पाथ था, सेकंड डे पर भी पाथ था, तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज सेकंड, ये हमें रिटर्न करना है। तो इस प्रॉब्लम का हमारा आउटपुट क्या आया, 2। सिमिलरली अगर हम एक और एग्जांपल देखें, इस एग्जांपल में हमारी कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से बनेगी। तो हमारे पास यहाँ पर भी पाथ है, यहाँ पर भी पाथ है, यहाँ पर भी पाथ है, यहाँ पर हमारे पास कोई पाथ नहीं है। ये वाला पाथ हमारा इससे ब्लॉक है, ये वाला पाथ इन तीनों से ब्लॉक है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास पाथ नहीं है। तो इस केस में हमारे पास किस दिन तक पाथ है, थर्ड डे तक। नाउ इस प्रॉब्लम हमारी क्या है, हर एक डे पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है। अगर हमें एक फिक्स कॉन्फ़िगरेशन दी होती, जैसे हमें या तो ये कॉन्फ़िगरेशन दी होती या ये दी होती, कोई एक फिक्स कॉन्फ़िगरेशन दी होती और हमसे पूछा होता कि टॉप रो से बॉटम रो पर जाने का पाथ है या नहीं, ये ट्रू या फॉल्स बताओ, तो हम क्या कर सकते थे। सिंपली हम इस पर BFS या DFS लगा सकते थे। हम टॉप रो के जो जो लैंड सेल हैं वहाँ से हम उस पर BFS या DFS लगा सकते थे कि हम लास्ट सेल पर पहुँच पा रहे हैं या नहीं पहुँच पा रहे। हमारी कंडीशंस क्या होती, हमें चार डायरेक्शन में ट्रैवर्स करना था और हम केवल लैंड सेल यानी जो जीरो सेल है उस पर ट्रैवर्स कर सकते थे। तो अगर हम इस टॉप रो के किसी भी सेल से बॉटम रो के किसी भी सेल पर पहुँच पा रहे हैं तो हम क्या रिटर्न कर देते, ट्रू, हाँ हमारी इस कॉन्फ़िगरेशन में पाथ है। और अगर नहीं पहुँच पा रहे तो हम क्या रिटर्न कर देते कि हमारी इस कॉन्फ़िगरेशन में पाथ नहीं है। जैसे इस कॉन्फ़िगरेशन में हमारा कोई पाथ नहीं आता, जब हम यहाँ से शुरू करते तो यहीं पर ब्लॉक हो जाते, जब यहाँ से शुरू करते तो यहाँ पर ब्लॉक हो जाते, हम लास्ट रो पर पहुँच ही ना पाते। तो अगर हमें एक फिक्स कॉन्फ़िगरेशन दी होती, हमारी कॉन्फ़िगरेशन चेंज ना हो रही होती, तो हम क्या कर सकते थे, सिंपली हमारे ग्रिड पर BFS या DFS लगाकर ये पता कर सकते थे कि हमारा पाथ है या नहीं है। लेकिन अब क्या है, हमारी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है, तो अब हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। सबसे सिंपल अप्रोच तो हमारी क्या होगी, हम हर एक दिन की कॉन्फ़िगरेशन बना लें। स्टार्टिंग हमारी क्या कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉन्फ़िगरेशन है। फर्स्ट डे पर हमारी क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, ये कॉन्फ़िगरेशन होगी। हम पता कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट डे पर हमारा 1,2 ये वाला सेल वाटर में बदल जाएगा, तो हम एक्चुअल में ये कॉन्फ़िगरेशन बना लें और फिर इस पर BFS या DFS लगा दें, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी फर्स्ट डे पर ये कॉन्फ़िगरेशन में पाथ है या नहीं है। सिमिलरली सेकंड डे पर हम क्या करें, फिर से ये कॉन्फ़िगरेशन बना लें, जो सेल वाटर में कन्वर्ट होगा हम उसे एक्चुअल में वाटर में कन्वर्ट कर दें और फिर इस कॉन्फ़िगरेशन में देख लें कि पाथ है या नहीं है। सेम चीज़ हम हर एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए करें।
ऐसी फर्स्ट कॉन्फिगरेशन जिस पर हमारा पाथ नहीं होगा, जैसे यहाँ पर हमारा पाथ नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि इस कॉन्फिगरेशन के बाद हमारा किसी भी कॉन्फिगरेशन में पाथ नहीं होगा, और लास्ट कॉन्फिगरेशन जो हमारी आई होगी जिस पर पाथ होगा वो वाला डे हम रिटर्न कर देंगे, जैसे हम यहाँ पर 3 रिटर्न कर देंगे। तो एक अप्रोच तो हम ये लगा सकते हैं। इसकी हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आएगी? हमारी एक ग्रिड पर मान लेते हैं एम इंटू एन, इतने साइज़ की हमारी ग्रिड है, एक ग्रिड पर बी एफ एस लगाने में हमें कितना टाइम लगेगा? एम इंटू एन इतना टाइम लगेगा। और डेली अगर इसका एक सेल हमारा वाटर में बदलेगा, कब तक बदलेगा? जब तक सारे के सारे वाटर में नहीं बदल जाते। तो टोटल हमारी कितनी कॉन्फिगरेशन हो सकती है? जैसे ये हमारा 3x3 का मैट्रिक्स था, तो टोटल हमारी कितनी कॉन्फिगरेशन हो सकती है? 9 कॉन्फिगरेशन हो सकती है। फर्स्ट डे पर ये, सेकंड डे पर, थर्ड डे पर, फोर्थ डे पर, हर डे पर एक सेल वाटर में बदलेगा। टोटल कितने सेल वाटर में बदलेंगे? 9 सेल, यानी कि एम इंटू एन। हमारी एक कॉन्फिगरेशन के लिए हमें टाइम लगेगा एम इंटू एन, और हमारी टोटल कॉन्फिगरेशन कितनी है? एम इंटू एन। तो हमारी टाइम वेलोसिटी किस में आ जाएगी? एम इंटू एन का स्क्वेयर। इसको हम ऑप्टिमाइज़ कैसे करें? ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आप एक चीज़ देखो, जैसे ही मेरी एक बार कॉन्फिगरेशन फॉल्स आई, तो इसके बाद की सारी कॉन्फिगरेशन फॉल्स ही आएंगी, और फर्स्ट फॉल्स होने से पहले मेरी सारी ट्रू आएंगी। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मुझे किसी कॉन्फिगरेशन पर ट्रू मिला है, तो इसका मतलब है कि मुझे इससे पहले वाली सारी कॉन्फिगरेशन पर भी ट्रू मिला होगा, और अगर किसी कॉन्फिगरेशन पर फॉल्स मिला है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे इसके बाद वाली सारी कॉन्फिगरेशन पर भी फॉल्स मिलेगा। ये कुछ कुछ हमारा सिमिलर, बाइनरी सर्च के सिमिलर नहीं है। हम मिड निकालते थे, हम देखते थे कि मिड से छोटा है तो हम लेफ्ट हाफ में सर्च करें, मिड से बड़ा है तो राइट हाफ में सर्च करें, बेसिकली एक हाफ को डिस्कार्ड कर देते थे। सिमिलरली इसमें हम ऐसा कर सकते हैं, अगर हमारी किसी कॉन्फिगरेशन पर ट्रू आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसके लेफ्ट वाली सारी कॉन्फिगरेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं कि उन पर तो ट्रू आएगा ही आएगा, हमें उनको रिकैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली अगर किसी कॉन्फिगरेशन पर फॉल्स आ रहा है, तो हम इसके राइट वाली सारी कॉन्फिगरेशन रिजेक्ट कर सकते हैं कि इन पर तो फॉल्स आएगा ही आएगा, हमें उनके लिए पाथ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें किसके लिए पाथ कैलकुलेट करना है? जो हमारी लेफ्ट बाउंड्री है और राइट बाउंड्री है उसके बीच में हमें कैलकुलेट करना है, बाकी लेफ्ट से पहले और राइट के बाद हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं? बाइनरी सर्च लगाकर। किस पर? हमारी कॉन्फिगरेशन, बेसिकली नंबर ऑफ डेज पर। हमारी बाइनरी सर्च की रेंज क्या रहेगी? मिनिमम हमारा आंसर क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। और मैक्सिमम कितना हो सकता है? जितने हमारे सेल्स हैं 9 हो सकता है। हमारा आंसर इस रेंज के बाहर लाई नहीं करेगा, हमारा आंसर इसके बीच में लाई करेगा। तो हमारी बाइनरी सर्च की रेंज क्या हो जाएगी? 0 से लेकर एम इंटू एन, जो हमारे ग्रिड का साइज होगा उतनी हो जाएगी। हम बाइनरी सर्च में क्या करेंगे? हम इसका मिड निकालेंगे, 0 + 9/2। सबसे पहले हम आएंगे 4, यहाँ पर हम ये कॉन्फिगरेशन बनाएंगे। ये कॉन्फिगरेशन हम कैसे बनाएंगे? हमारे इस सेल वेक्टर का यूज़ करके। कैसे? हम इसके 4 एलिमेंट उठाएंगे, 1, 2, 3, 4। क्यों? क्योंकि डेली एक सेल वाटर में कन्वर्ट होता है, तो अगर हमारा टाइम 4 है, हम फोर्थ डे पर हैं, तो हमारे कितने सेल वाटर में कन्वर्ट होंगे? 4 सेल। तो हम 1, 2 इस सेल को, 2, 1 इस सेल को, 3, 3 इस सेल को, 2, 2 इस सेल को वाटर में कन्वर्ट कर देंगे। हम एक्चुअल में ये कॉन्फिगरेशन बना लेंगे, फिर हम इस पर बी एफ एस लगा कर देखेंगे कि हमारा पाथ है या नहीं है। हमारा क्या रिजल्ट आएगा? फॉल्स आएगा कि इस पर पाथ नहीं है। तो हम सिंपली ये और इसके बाद वाली ये सारी कॉन्फिगरेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं कि उन पर पाथ होगा ही नहीं। तो हमारी रेंज क्या रह जाएगी? अब एल यहाँ पर था 0 पर था, राइट आ जाएगा हमारा 3 पर, कि हमें 0 से 3 के बीच में आंसर को ढूंढना है। फिर हम क्या करेंगे? 0 + 3/2, हम आएंगे यहाँ पर, हम इस कॉन्फिगरेशन को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? हम एक सेल लेंगे, हमारे सारे सेल 0 होंगे, हम केवल ये 1, 2 सेल लेंगे, इसको वाटर में कन्वर्ट कर देंगे और इस कॉन्फिगरेशन में BFS लगा देंगे। जब BFS लगाएंगे तो हमारा एक पाथ आएगा, तो हम कह देंगे कि इसका रिजल्ट आया ट्रू। ट्रू आया, इसका मतलब क्या हुआ? कि मैं इसके लेफ्ट वाली सारी रेंज को इग्नोर कर सकता हूँ। मैं एक बार के लिए आंसर में इसको स्टोर कर लूँ कि ये मेरा कैंडिडेट आंसर हो सकता है कि फर्स्ट डे पर मेरे पास पाथ है, बाकी मुझे बेटर आंसर ढूंढना है। हो सकता है कि मेरा सेकंड डे पर भी पाथ हो, थर्ड डे पर भी पाथ हो, मुझे बेटर आंसर ढूंढना है, ये मेरा एक कैंडिडेट आंसर है, तो मैं इसको स्टोर कर लूँगा और अपनी लेफ्ट रेंज को कहाँ पर ले आऊँगा? 2 पर, कि और बेटर आंसर ढूंढने की कोशिश करो। अब मेरा लेफ्ट है 2 पर, राइट है 3 पर, आंसर में मेरा भी क्या है? 1। मेरा मिड क्या आएगा? 2 + 3/2 आएगा। तो मैं ये वाली कॉन्फिगरेशन बना लूँगा। कैसे बना लूँगा? फर्स्ट 2 सेल का यूज़ करके, 1, 2 और 2, 1, इनको वाटर में कन्वर्ट कर दूंगा। फिर इस पर BFS या DFS लगा दूंगा, ये देखने के लिए कि मेरा टॉप रो से बॉटम रो पाथ है या नहीं है। पाथ आएगा तो यहाँ पर भी आएगा ट्रू। तो अब मेरा आंसर बेटर हो गया, तो मैं आंसर को अपडेट कर दूंगा कि ये मेरा कैंडिडेट आंसर है, अब मुझे इससे बेटर आंसर के लिए देखना है। बेटर आंसर कैसे देखूंगा? अपनी लेफ्ट रेंज को मिड +1 यहाँ पर लाकर, मेरा लेफ्ट और राइट कितना है? 3 है। मिड कितना आएगा? 3। इस कॉन्फिगरेशन के लिए चेक करूंगा कि क्या मेरा एक पाथ है या नहीं है। पाथ है, यस, ट्रू। तो मैं आंसर में स्टोर कर लूंगा कि मुझे एक बेटर आंसर मिल गया है
और बेटर आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करो। तो मेरी लेफ्ट रेंज कहाँ पर आ जाएगी? यहाँ पर। अब मेरी लेफ्ट और राइट रेंज क्रॉस कर गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे जितना आंसर मिल सकता था वो मिल गया है, मुझे इस प्रोसेस को यहीं पर स्टॉप कर देना है, और मेरा आंसर क्या आ गया? 3। तो इस तरह से हम इस पर बाइनरी सर्च लगाकर इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारी इसकी टाइम इंडस्ट्री क्या रहेगी? हमारी बाइनरी सर्च की रेंज क्या है? 0 से लेकर m इंटू n, यानी हमारी रेंज है m इंटू n, जितने हमारे नंबर ऑफ सेल्स हैं। और अगर हम n नंबर पर बाइनरी सर्च लगाते हैं तो उसकी टाइम इंडस्ट्री क्या आती है? लॉग ऑफ m इंटू n, ये आती है। यानी कि हमें इतनी कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट करनी पड़ेगी, लॉग ऑफ m इंटू n इतनी कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट करनी पड़ेगी। और एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए कितना टाइम लगेगा? m इंटू n। हम BFS या DFS लगाएंगे एक कॉन्फ़िगरेशन को चेक करने के लिए कि उसमें पाथ है या नहीं है। तो इस अप्रोच की हमारी टाइम इंडस्ट्री क्या रहेगी? m इंटू n, ये एक कॉन्फ़िगरेशन को चेक करने के लिए, और हमें लॉग ऑफ m इंटू n इतनी कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी पड़ेगी। और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? हमें ये एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन बनानी पड़ेगी, जो कितना स्पेस लेगी? m इंटू n, जो हमारे ग्रिड का साइज होगा। तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी? ऑफ m इंटू n। अब हम इसका एक बार कोड देख लेते हैं। कोड में हमें क्या करना था? हमें बाइनरी सर्च लगानी थी, हमारे जो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। हमारे पॉसिबल आंसर कितने हो सकते हैं? लेफ्ट बाउंड्री आएगी 0 पर, राइट बाउंड्री किस पर आएगी? जो हमारे ग्रिड का साइज होगा, रो इंटू कोड। ये हमारी बाइनरी सर्च की रेंज हो गई। साथ में हमने एक आंसर वेरिएबल ले लिया जो ये स्टोर करेगा कि हमारा अभी आंसर क्या है और फाइनल आंसर क्या आया है। फिर हमने इस पर बाइनरी सर्च लगाई। जब तक हमारा लेफ्ट राइट के इक्वल या छोटा है तब तक हमें बाइनरी सर्च लगानी है। पहले मिड फाइंड आउट करेंगे, मिड फाइंड आउट करने के बाद हम उस टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग एक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे और देखेंगे कि उस कॉन्फ़िगरेशन का रिजल्ट क्या है। अगर उस कॉन्फ़िगरेशन का रिजल्ट ट्रू आता है कि उसमें पाथ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम आंसर में उस कॉन्फ़िगरेशन का रिजल्ट स्टोर कर लें कि उस टाइम तक तो हमारे पास पाथ है, और लेफ्ट रेंज को एक आगे ले जाए, बेटर आंसर ढूंढने की कोशिश करें। अगर इसका आंसर फॉल्स आता है कि इस पर पाथ नहीं है, तो क्या होगा? इसके बाद में भी कोई पाथ नहीं होगा, तो हम राइट रेंज को मिड माइनस वन इस पर ले आए। लास्ट में जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो किस में स्टोर हो जाएगा? आंसर में, और हम इसको रिटर्न कर देंगे। अब हम ये इस पॉसिबल फंक्शन कि एक कॉन्फ़िगरेशन में पाथ है या नहीं है वो कैसे चेक कर सकते हैं, ये देख लेते हैं। हमारे इस पॉसिबल फंक्शन में हमने रो कॉलम, बेसिकली हमारे ग्रिड का साइज लिया मिड, कि कौन से टाइम तक हमें चेक करना है, किस टाइम की कॉन्फ़िगरेशन को हमें चेक करना है, और हमारा सेल सारे जिसकी हेल्प से हम ये कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? हमें एक 2D वेक्टर चाहिए होगा, एक्चुअल ग्रिड रो इनटू कॉलम साइज का। तो हमने वो इनिशियलाइज कर दिया, स्टार्टिंग में 0 से सारे के सारे लैंड सेल। फिर हमने इस सेल वेक्टर पर टी टाइम तक, इस टाइम तक ट्रैवर्स किया, और उसमें जो जो सेल आ रहे थे उनको 1 मार्क कर दिया कि ये वाटर में कन्वर्ट हो चुके हैं। उसके बाद हमें क्या करना था? हमें टॉप रो से BFS लगाना था, तो हमने क्यू बनाई हमारी BFS के लिए। क्यू किस टाइप की होगी? हमारे पेयर ऑफ इंट कॉम्बाइंड, बेसिकली x कॉमा वाई रो और कॉलम कोऑर्डिनेट को स्टोर करेगी। फिर हमने टॉप रो के लिए लूप चला दिया, उसमें जो जो लैंड सेल थे उन सबको हमारी क्यू में पुश कर दिया और विजिटेड मार्क कर दिया। अब हमें BFS ट्रैवर्स सेल के लिए क्या चाहिए होगा? जितनी डायरेक्शन में हम ट्रैवर्स कर सकते हैं, हमारी 4 डायरेक्शन थी, तो उन 4 डायरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग हमने एक वेक्टर ले लिया। ये वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डाउन डायरेक्शन। डाउन डायरेक्शन में आपका क्या होगा? एक्स एक से इंक्रीज होगा, कॉलम आपका सेम रहेगा। लेफ्ट डायरेक्शन में क्या होगा? आपकी रो सेम रहेगी, कॉलम एक से डिक्रीमेंट होगा। अपर डायरेक्शन में क्या होगा? रो आपकी एक से कम होगी, कॉलम सेम रहेगा। और राइट डायरेक्शन में क्या होगा? आपकी रो सेम रहेगी, कॉलम एक से इंक्रीमेंट होगा। तो हमने 4 डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए एक वेक्टर ले लिया। अभी हमारी क्यू में टॉप रो के सारे लैंड सेल स्टोर हो चुके हैं, हमारे पास 4 डायरेक्शन भी है। अब हम अपना BFS ट्रैवल से शुरू करेंगे। BFS ट्रैवल में हम क्या करते हैं? जब तक हमारी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक हम फ्रंट नोड को पॉप करते हैं, उसके हमने रो और कॉलम कोऑर्डिनेट स्टोर कर लिए। फिर हमने चारों डायरेक्शन के लिए लूप चलाया। चारों डायरेक्शन में हमें क्या करना था? हमें न्यू रो और न्यू कॉलम ये कोऑर्डिनेट निकालने थे। अगर वो कोऑर्डिनेट हमारी ग्रिड में है, बेसिकली आउटसाइड बाउंड्री नहीं जा रहा और अभी तक विजिट भी नहीं हुआ, हमने चेक किया कि वो विद इन बाउंड्री है और अभी तक विजिट भी नहीं है और एक लैंड सेल है, यानी उस पर वैल्यू 0 है, हम केवल लैंड सेल पर ही जा सकते थे। तो अगर उस पर वैल्यू 0 है, इसका मतलब हम उस पर ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो हम क्या करें? हमारी क्यू में उसको पुश कर दें और उसको विजिटेड मार्क कर दें, हमारे न्यू सेल को। लेकिन उससे पहले हम क्या चेक कर सकते हैं कि अगर हमारा ये जो न्यू सेल है ये अगर हमारी लास्ट रो पर एग्जिस्ट करता है, यानी कि ये वाला सेल लास्ट रो पर है, इसका मतलब क्या हुआ? हमें टॉप रो से बॉटम रो पर एक पाथ मिल गया, तो हम यहीं से ट्रू रिटर्न करते हैं। तो हमने क्या चेक कर लिया कि अगर इस सेल की हमारी रो लास्ट रो है तो हम यहीं से ट्रू रिटर्न कर दें, हमें पूरा का पूरा BFS ट्रैवल से फर्दर करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ट्रू रिटर्न कर सकते हैं कि हमारा एक पाथ है। अगर हमारे पूरे BFS ट्रैवल के बाद कभी भी ये कंडीशन हिट नहीं हुई, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा कोई पाथ है ही नहीं, तो हम उस केस में फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो इस तरह से हम बाइनरी सर्च और BFS का कॉम्बिनेशन लगाकर इस प्रॉब्लम को ऑप्टिमली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।